अरे मालती मालती, थोड़ी चाय ले आओ। क्या हो गया? आज सूरज का पश्चिम से निकला है, ये क्या आज इतने प्यार से बुला रहे हैं? चाय लो। अरे चाय मांगा ना, क्या सोच रहे हो? चाय दो। कुछ नहीं, मैं नट्टू के बारे में सोच रहा था। नट्टू तो सो रहा है, सुबह क्या किया जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं? अरे अरे, लड़के की हाइट एकदम नहीं बढ़ रही है, पेट भी निकलता जा रहा है, अभी से उसका ये हाल है, बड़ा होने पर तो फुटबॉल जैसा हो जाएगा, क्या करे बताओ ना। अरे भगवान ने जिसे जैसा बनाया है, मेरे बोलने से होगा या आपके बोलने से हो जाएगा? जो भी हो, बस आपके जैसा लड़की जैसा शरीर ना हो। अच्छा है जो मेरा लकड़ी जैसा शरीर है, वरना तुम्हारी तरह पेट पकड़ के घूमता रहता। बात को घुमा फिरा के मेरे ही तरफ ले आए, मेरे ही शरीर पे हमेशा आपकी नजर है। अच्छा वो छोड़ो मालती रानी, गुस्सा हो गई क्या? अच्छा अच्छा, तुम जाओ अपना काम करो, हम बाप बेटों के बीच में तुम अपना दिमाग मत लड़ाओ, जाओ। नट्टू, अरे नट्टू, अरे उठ। अरे पिताजी, सोते हुए को ऐसे जगाते, आपको थोड़ी दया नहीं आती? चुप, सुबह के 7 बज रहे हैं, हाँ, और तेरी नींद नहीं खुल रही है, बौना कहीं का, एक तो लंबा नहीं होता, ऊपर से पेट भी कम नहीं हो रहा, क्या करे बताओ, सिर्फ पेट बढ़ता जा रहा है। ओए, तुझे मैंने कहा था ना, सुबह उठ के योगा और एक्सरसाइज करने को, आज के बाद से तू मुझे 6 बजे के बाद बिस्तर पे मत दिखना। पिताजी मैं करूँगा तो लंबा हो जाऊंगा ना। अच्छा मैं आज से करूँगा, तो मैं ब्रश करके टिफिन खा लूँ। अरे पेटू, खाली पेट एक्सरसाइज होता है, योगा बुक एक लाया हूँ, उसे देखकर हर दिन योगा करना, शरीर से पसीना निकलना चाहिए, कहता है खा के एक्सरसाइज करूँगा। अरे 5 मिनट में खत्म। पिताजी आपने पसीना निकलने तक करने बोला था, पसीना तो निकला, एक्सरसाइज खत्म। अच्छा उतना ही रहने दे, कल से आधा घंटा तक करना, मैं घड़ी में अलार्म लगा दूंगा, 6 बजे उठना। इतनी जल्दी कौन उठेगा, जाकर थोड़ी देर और सो लेता हूँ। नहीं नहीं, पिताजी ने मुझसे कहा 6 बजे के बाद बेड पे मत दिखना, मैं बेड पे ना सोकर बेंच के ऊपर रखी रजाई के अंदर सो जाता हूँ, अच्छा होगा। जो भी हो, बात सुनकर आज नट्टू 6 बजे से एक्सरसाइज कर रहा है। अरे ठंड का मौसम तो गया, ये रजाई क्यों यहाँ नीचे रहेगा, जाकर इसे सीलिंग के ऊपर रख देता हूँ। अरे मम्मी, अरे मम्मी, ओ। अरे मेरी गर्दन, अरे मेरा गला, अरे ओहो, अरे रजाई तो ऊपर है, मेरे कंधे पर तब क्या गिरा, अरे ये लड़का बेड से उठकर रजाई के अंदर सोया था, हाँ अरे ये रजाई के अंदर क्यों घुसा है? अब पिताजी मार कर रहे हो, आपने तो कहा था कि 6 बजे के बाद मुझे बेड पर मत दिखना, इसलिए तो मैं रजाई के अंदर सोया था। अरे गधे, तुझे मैंने बेड से उठ के एक्सरसाइज करने को कहा था, फिर से सोने नहीं, गधा कहीं का, जा जाके एक्सरसाइज कर, क्या करे बताओ। गिरने से तो चोट लग गई, अब फिर कौन एक्सरसाइज करेगा, जाके मोबाइल में 15 मिनट गेम खेल के बाहर जाऊंगा। तू तो एक्सरसाइज किए जैसा नहीं लग रहा है, ना शरीर से पसीना निकल रहा है, ना ही तुझे थकावट लग रहा है। पिताजी घर पे फैन चलाकर एक्सरसाइज कर रहा था, अब पसीना कैसे आएगा।
ये लड़का हर दिन घर के अंदर घुस के एक्सरसाइज करता है या क्या करता है पता नहीं, आज खिड़की से देखता हूँ। हैं, क्या किया जाए? नट्टू, दरवाजा खोलना। अब पिताजी रुको, और 5 मिनट कर लेता हूँ, क्यों बुला रहे हो? अरे तू दरवाजा बंद करके एक्सरसाइज कर रहा है या साहेबजादे की तरह बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहा है? पिताजी उस दिन तो आपने मुझे नीचे गिरा के कमर में चोट लगवा दी थी, मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगा? आपको बोलूँगा तो आप सिर्फ मारोगे। चुप, जब तक दर्द कम ना हो घर के पीछे पेड़ के डाल में हर दिन झूलना, झूलने से भी लंबे होते हैं। अले तुबा तुबा क्यों फोन करके बुलाया ले? अले मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, अता किस लिए बुलाया बोल? अरे गुड्डू तू लंबा होना चाहता था ना, अब पिताजी ने बोला है अब पेड़ की डाल पे झूलने से लंबे हो जाएंगे और तेरा मेंढक जैसा पेट भी कम हो जाएगा, चल दोनों मिलकर पेड़ की डाल पे झूलते हैं। अले कुछ तो इतना मोटा हो गया है और मुझे कहला है मेंढक की तला पेट फूल गई है। अरे गुड्डू इस पेड़ पे तो बहुत डाल है, चल इसी पेड़ पे झूलते हैं। अले मम्मी अले मम्मी, अले तब ठीक लेने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और पीतल डालने के लिए नहीं। अरे मैंने क्या किया, तेरे पेट को पेड़ की डाल संभाल ही नहीं पा रही थी और टूट गया, देख मैं झूल रहा हूँ कुछ भी तो नहीं हो रहा। अरे मेरी नाक। आता हुआ आता हुआ ले, आता हुआ आता हुआ। क्यों ले, मुझे बोल रहा था ना तू, तुझे कहता लगा अब। चुप हो जा, चल दूसरी डाल में झूलेंगे। ये सहजन के डालों को किसने तोड़ा? ना हवा हुआ है ना बंदर आए हैं। अब पिताजी हमने नहीं तोड़ा, हम झूल रहे थे और वो अपने आप ही टूट गई। अरे सहजन की पेड़ ही तुम्हें झूलने को मिला? अरे घर पे तो इतना आम अमरुद के पेड़ है, तुम्हें ये पतले सहजन का डाल ही मिला क्या? अब पिताजी मार क्यों रहे हो, आपने तो कहा था पेड़ की डाल पे झूलने को, कौन से पेड़ की डाल पे झूलना ये तो नहीं बताया था, हमारी क्या गलती, आपकी बातचीत तो ठीक नहीं है। अरे क्या करूं, इसे जितना भी बोलो मेरा ही सर्वनाश करता है।